लोजपा में चाचा भतीजे के बीच जारी जंग अब कानूनी पचड़े में पड़ता दिख रहा है। बुधवार को दिल्ली से लेकर पटना तक आरोपों की पॉलिटिक्स खेली गई। पार्टी पर कब्जे के लिए कई तरह के दावे किए गए। दिल्ली में बैठे चिराग ने पहली बार मुंह खोला और पार्टी से लेकर परिवार तक के बारे में कई रहस्यों से पर्दा हटाया। उन्होंने कहा कि रामविलास के बीमार होने के बाद से ही पारस षड्यंत्र रचने लगे थे। भाई प्रिंस को वो बेटे की तरह मानते थे, लेकिन सब ने धोखा दे दिया। हालांकि चाचा पारस के बाद वे घर में सबसे बड़े बच गए थे, इसलिए परिवार पर आगे भी वो आंच नहीं आने देंगे। हालांकि पार्टी को गलत हाथों में नहीं जाने देने की उन्होंने बात कही। उधर पटना पहुंचे पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि असली लोजपा वही है, अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह है। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर वो भड़कते भी दिखे। पांच सांसद एक साथ है, लोकसभा सचिवालय से पार्टी को मान्यता दिया गया और संसदीय दल का नेता उनको घोषित किया गया। कल नेशनल कमेटी की बैठक हुई, सर्वसम्मति से जो प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, नेशनल स्कूटी के सामान्य है। कल सूरजभान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा, उसमें जो दो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एक दिन है और एक दिन रहेगा। पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है जी? क्या पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं तो कौन करेगा? राष्ट्रीय सुन लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, संविधान में स्पष्ट है एक व्यक्ति एक पद। श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और सदन के नेता भी थे। इसीलिए कल हम लोगों ने तय किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुक्त किया जाए और लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता पारित हो गए। संविधान आपको इजाजत नहीं देता, पार्टी का संविधान ही इजाजत देता है, आपको जानकारी नहीं है। आप लोजपा का संविधान पढ़ के देखिए, आर्टिकल 19 में क्लॉज 5 का जिक्र किया उन्होंने, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय करेगा। जब पार्टी में विवाद हुआ तो बहुमत जिसके पक्ष में होगा उसका कब्जा होगा। अभी चिराग पासवान से पूछिएगा, हमसे पूछिएगा जी। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जानकारों की माने तो कानून भी इस मामले में स्पष्ट कुछ नहीं कहता है। बहुत हद तक लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग अपने विवेक पर इस मामले से निर्णय लेंगे। फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ने तो इस मामले में निर्णय सुना दिया है, अब देखना शेष है कि चुनाव आयोग में जब ये मामला जाता है तो वहां से क्या निर्णय लिया जाता है।